हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। चलिए, इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को 8.4 का जो 5 क्वेश्चन था उसका जो 5 क्वेश्चन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ। और देखिए, 8.4 का जो 5 क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, वो जो बचा हुआ है 5 उसको आज देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए गाइस, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि √1 sin a / 1 - sin a = ck + 10 a, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका LHS है और RHS, LHS से हमें RHS सिद्ध करना है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि LHS क्या है। LHS आपका है √1 sin a / 1 - sin a। गाइज, यहाँ पे हम लोगों को RHS दिया हुआ है ck + 10 a, इसके रूप में लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, 1 + sin a / 1 - sin a इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो वन माइ, यहाँ माइनस है तो इसका निशान क्या होगा, ये जो सिंबल है माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + sin a / 1 - sin a, और यहाँ पे आप इसको नोट कर दीजिएगा कि हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है गाइज, तो गाइज आप यहाँ देखिए, ये 1 + sin a * 1 + sin a, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 - sin a * 1 + sin a, तो ये क्या है, ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी है, सॉरी ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, 1 - sin² ये कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 + sin² a और 1 - sin² ये है, 1 + sin² का होल स्क्वायर है और ये बाई 1 - sin² a है, तो इसको 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 - sin² a, तो क्या हो जाएगा, cos² a + sin² a = क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे sin² a = 1 - cos² a होता है और cos² a = 1 - sin² a होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 - sin² a, तो 1 - sin² a = क्या होता है, cos² a। और देखिए गाइज, यहाँ से क्या होता है, इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो देखिए ये बड़ा रूट है, क्या है, ये बड़ा रूट है, तो ये रूट इसमें भी है और इसमें भी है, इस स्क्वायर से भी ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + sin a / cos a। ठीक है, अब देखिए, अब इसको दोनों बगल बांट देंगे हम, 1 cos a + sin a / cos a, तो गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec a + tan a, तो क्या हो गया आपका, RHS आ गया, तो LHS = RHS आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, है बोर्ड पे है, sin θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ, हमें क्या करना है, इक्वल टू लाना है tan θ। ठीक है, तो LHS हमारा है sin³θ, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए LHS है आपका sin³θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ। तो गाइज अब देखिए यहां से साइन, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, तो क्या करेंगे हम, साइन को यहां पे कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 - 2 sin, अब यहां से देखिए साइन यहां से कॉमन लिए हैं तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, sin²θ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ नीचे से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे आपका cos, ठीक है, तो cos कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये आपका 2 cos² θ, और माइनस यहां से cos खत्म,
तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको अलग लिख देते हैं और इसको मल्टीपल करते हैं। ठीक है, इसको अलग हो गया, अब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल अपने बराबर में होता है। ठीक है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए इसको ही सेम टू सेम यही होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसके बाद आपका वन माइनस टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देखिए यहाँ पे वन माइनस टू, अब यहाँ पे देखिए टू इंटू वन क्या हो गया, टू हो गया, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई टू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू वन माइनस टू, वन माइनस क्या है, वन माइनस टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा इंटू, और देखिए यहाँ से जो प्लस है उसको पहले कर देते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, अब यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू आर एच एस। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एट नंबर आपका ये है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये कॉसेक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम तोड़ते हैं इसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो गाइज देखिए यहाँ पे एल एच एस लेते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना है। अब देखिए साइन ए ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, तो गाइज देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए टू इंटू ए टू ए बी, ठीक है, टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, अब देखिए प्लस का प्लस, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू कॉस ए कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है गाइस। अब देखिए अब यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम एक जगह कर देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब गाइस एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि साइन ए इक्वल टू वन बाई कॉस एक ए होता है और कॉस ए इक्वल टू वन बाई सेक ए होता है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे प्लस कॉस एक स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस एक स्क्वायर ए, अब देखिए टू साइन ए प्लस टू साइन ए है, तो ये साइन ए के बाद साइन ए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम, वन बटे साइन ए लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टू ही बचेगा, तो क्या करेंगे हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉस उठा लिए यहाँ डाल लिए इसको, कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉसेक का कॉसेक लिख दिए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू वन होता है, तो प्लस टू इंटू वन लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन का टू प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू। अब देखिए यहाँ पे दो और दो चार और प्लस वन क्या हो गया, पांच हो गया इक्वल टू फाइव प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए
क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो गाइज अब देखिए, वन और ए वन दो हो गया, पांच और दो सात, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको सजा के लिख देते हैं, सात प्लस क्या दे रहा है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है गाइज, अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आपका आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो गाइस देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है आपके बुक में कि बायां पक्ष आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड को अलग अलग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको LHS को अलग सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस इसमें दिया हुआ है कोसेक ए, क्या दिया हुआ है कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए इक्वल टू वन बटे साइन ए होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, वन बाई साइन ए लिख देंगे, वन बाई साइन ए माइनस साइन ए, और इसको वैसे ही वन बाई कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है गाइस, अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं गाइज। अब देखिए वन बाई साइन ए माइनस साइन ए तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू का इंटू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है गाइज, अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस अच्छा कॉस स्क्वायर ए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए है। अब देखिए एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से कॉस खत्म, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए इसको समीकरण वन लेते हैं, LHS जो आपका आया यहाँ पे समीकरण वन हो गया, और देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। और देखिए वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए है। ठीक है, अब इसको देखिए वन बाई, अब टेन ए को क्या करेंगे हम, साइन ए बाई कॉस ए में तोड़ेंगे, प्लस कॉस ए बाई साइन ए गाइस वन बाई, अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, इसको एलसीएम लिए, कॉस ए इंटू साइन ए, उसके बाद देखिए कॉस ए से कॉस ए खत्म, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। गाइज अब एक चीज बताइए, आपको पहले पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, वन बाई वन, ठीक है, वन बाई वन इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, तो ए बाई बी बाई सी हो तो ए सी बाई आपका बी हो जाता है। ठीक है, ये सी क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो गाइस वन इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई वन हो गया, तो फाइनली आपका कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, तो यहाँ पे समीकरण दो हो गया। तो समीकरण एक फ्रॉम, और इधर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। गाइज यहाँ पे आपका समीकरण एक कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, समीकरण दो आपका कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गाइज आपका 8.4 का लास्ट क्वेश्चन जो 10 है उसको देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाई वन माइनस कॉट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, फाइनली क्या करना है हमको, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो LHS देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो गाइज इससे पहले पिछले क्लास में मैं आपको बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र होता है
तो डायरेक्ट इसी पर रख देते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है गाइज, तो अब देखिए इसको, अब इसको वन बाई कोस में तोड़िए, वन बाई कोस स्क्वायर ए बाई वन बाई साइन स्क्वायर ए, अभी क्या हो जाएगा मल्टीपल होगा ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। फाइनली यहां से क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए मिल गया आपको। और नेक्स्ट जो आया आपका दिया हुआ है उसको देखते हैं, वन माइनस टेन ए, इसको समीकरण वन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वन माइनस कॉट ए, गाइस यहाँ पे एक चीज छूट गया, ए स्क्वायर है। ठीक है, वन माइनस टेन ए बाई वन प्लस वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, वन माइनस यहाँ पे वन माइनस टेन ए बाई, और कॉट ए को क्या करेंगे हम टेन ए के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो वन माइनस वन बाई टेन ए हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। अब गाइस यहाँ से क्या करेंगे हम, वन माइनस टेन ए बाई टेन ए को क्या करेंगे, टेन ए माइनस वन हो जाएगा बाय टेन, टेन ए हो जाएगा का होल स्क्वायर है। अब गाइस देखिए वन माइनस टेन ए बाई, अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिए तो वन माइनस टेन ए, देखिए ए बाई बी बाई सी है, तो ये सी क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू सी हो जाएगा, ए सी बाई बी कर देंगे। ठीक है, या ए बाई बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वन माइनस टेन ए बाई, अब ये माइनस कॉमन कर लिया तो वन माइनस टेन ए हो गया, और इंटू ये टेन ए ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ए, अभी ये स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है गाइज, तो देखिए अब यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है, ये कट कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया समीकरण वन। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी फाइंड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो गाइज यहां से क्या हो गया आपको, आपका 8.4 खत्म हो गया, आपका जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर था वो भी आज समाप्त हो गया। तो गाइज अगर इससे कोई आपको दिक्कत है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारा दिक्कत है, ये क्वेश्चन आप बनाओ फिर से। ठीक है गाइज, तो आप अगर आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो होता है शेयर के पास जो बेल आइकन होता है उसको दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।